गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर एट काजा और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लांगजा विलेज, जो हमारा प्लान था. ऑब्वियसली हमें लांगजा में कैंपिंग करनी थी टू सी द मिल्की वे, बट आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा क्योंकि बारिश हो रही है और वहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं कि शायद बर्फ भी पड़ी हो. सो वी आर एट दिस डाइवर्जन जो नीचे काजा से आता है, एंड देन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स कहाँ जा रहा हो जी इतरा. Then we will be heading towards Langza village. और ये वाली रोड जाती है टूटी फूटी कॉमिक की तरफ. Look at the view. Boys! Woohoo! You can see, देख. This is awesome. What you can explore, you can see. Wow. Wow, wow, wow. So I'll just keep you posted. तो लांगजा विलेज सिर्फ बुद्धा स्टैचू के लिए फेमस नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, जो कि प्रूफ करते हैं कि हमारे हिमालयस कभी सी के नीचे भी हुआ करते थे. और लांगजा की सबसे खूबसूरत चीज है द बुद्धा स्टैचू, जो कुछ 4-5 साल पुरानी नहीं, कुछ हजार साल पुराना स्टैचू है. और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से सिर्फ स्टार गेजिंग और स्नो लेपर्ड एक्सपेडिशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट एरिया है जहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड और इतना डार्क एरिया है कि आप लोगों को आराम से मिल्की वे दिख सकता है. तो काजा से लांगजा कुछ 16 किलोमीटर दूर है, जो कि आप आराम से आधे घंटे या 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं. और सबसे परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे जाना, सुबह सुबह जाओ, और अगर आप लोगों को मिल्की वे देखना है तो पूरी रात वहां पे एंजॉय करो. जैसे कि लोग दूर दूर से यहाँ पे मिल्की वे देखने आते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक परफेक्ट कैंपिंग साइट है. आप यहाँ पे बुद्धा स्टैचू के आसपास कहीं पे भी अपना कैंप लगा सकते हैं, पर स्नो लेपर्ड से बच के रहना. लांगजा में आपको छोटे मोटे होम स्टे मिल जाएंगे जो 15 से 2000 वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी पीपल यू आर, बट मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर कैंपिंग जरूर करना, क्योंकि यहाँ की खासियत ही ये है कि यहाँ पे मिल्की वे दिखता है. लांगजा के जस्ट पीछे रिकॉर्ड करवाए ये वाली चाल. देखते हैं भाई कौन जीतता है. नहीं, पहले सबसे बड़ा रखो. सबसे बड़ा भाई, तूने 5 क्यों रखा है? कोई तो तेरी गलत गंदी इंटेंशन है तेरी भाई. अगर ये 3 आ गया ना इसका तो स्क्रीन खत्म. चलो. ओ भाई, तो देख लो गाइस, वेदर का कुछ पता होता नहीं है. थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, काले बादल लगे थे और एकदम धूप आ चुकी है और हवा भी कम हो गई है. और look at the view now. So रात को करेंगे कैंपिंग and I'll show you how it goes. Stay tuned.
सो गाइस कैंपिंग का सेटअप स्टार्ट हो चुका है, मैंने GoPro लगा दिया है टू टेक अ गुड टाइम लैप्स, और आपको अपना 3-4 BHK दिखाता हूँ मैं पहाड़ों पे कैसा होता है। लुक एट दिस, वी हैव गॉट द परमिशन कि हम अपना टेंट अंदर लगा सके। सर्वाइव मैन गाइस, तो ये है अपना बोनफायर सा घर एक दिन के लिए। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि दिस इज द व्यू, और हमारा गेट खुलेगा तो हमारे सामने होंगे लांजा। भाई अगर कैंपिंग स्पॉट पसंद आ गया है, नया घर पसंद आ गया है, तो भाई एक कमेंट तो डाल दो। गाइस देख लो, लास्ट टाइम आपको टेंट दिखा नहीं पाया था कि अंदर से कैसा हो रखा है, क्योंकि रात हो गई थी। सो वी हैव प्रॉपर गद्दे एंड ऑल, ये अपनी आगे कंबल, ये भाई का ये तकिए, स्लीपिंग बैग, एंड दिस इज द व्यू। ओके गाइस, तो पूरा सेटअप हो चुका है अपना, कैंप अंदर लग चुका है, ये अपना पूरा खाने वाने का सिस्टम हम बिठाने वाले हैं। अभी अंशुल और शिवम ऊपर आग का जुगाड़ करने गए हैं, गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्कड है, दिस इज़ द व्यू, और वी आर वेटिंग कि प्लीज़ थोड़े से बादल कम हो जाए, बट हो चुके हैं, आई गेस कुछ तो देखने को मिल सकता है। Stay tuned. The day is here. तो जिसका सपना मैंने इतने टाइम से देखा था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे बहुत मन था कि मैं यहाँ लांगजा गोम्पा में एक कैंप लगाऊं और बढ़िया सी नाइट गेजिंग करूं। तो आज वो दिन आ गया और हमने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया अपने लिए, और हमने ये देखा जो अनबिलीवेबल था। आंखों से देखना इज़ टोटली डिफरेंट। मेरी कैमरा स्किल्स अभी इतनी अच्छी है नहीं कि मैं इतना बढ़िया रिकॉर्ड कर पाया, बट जितना हो पाया आई डिड इट फॉर यू गाइज। सो हियर आर सम फोटोज, क्योंकि फोटोज बहुत अच्छी क्लिक हुई बट वीडियोस इतनी बढ़िया नहीं आ पाई, पर नेक्स्ट टाइम बहुत ही सुंदर वीडियोस निकालेंगे। अभी के लिए ये फोटोज देखिए और जस्ट फील इट कि हमने क्या देखा उस रात। सो गुड मॉर्निंग गाइज इन लांगजा, देख लो सुबह कैसा हो रखा है मौसम, रात का तो आपको दिखाई दिया कि अच्छे खासे दिखे तारे, बट अपने से जितना रिकॉर्ड हो पाया उतना किया। सो आज का कुछ ऐसा प्लान है कि की मॉनेस्ट्री और चीचम ब्रिज हम कंप्लीट करेंगे, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। अपने बर्तन और अपना कूड़ा दोनों साफ करके हम लोग निकल पड़े थे लांगजा से, और हमारी अगली डेस्टिनेशन थी की मॉनेस्ट्री और चीचम ब्रिज। सो आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग।